मेरा नाम रुबा है। मैं आज आपको एक खौफनाक कहानी बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल सच्ची है। मेरी दोस्त इशल खाने के बाद मेरे साथ वॉक पर चलती थी। हम दोनों वॉक करते थे। वहाँ पर लोग कभी आते थे और कभी नहीं, यानी वहाँ ज़्यादा रश नहीं होता था लोगों का। हम दोनों 2 घंटे तक वॉक करते थे। एक दिन रोड पर वॉक करते करते एक पार्क आ गया जो कि बहुत बड़ा था। मैंने सोचा कि कल हम इस पार्क में जाएंगे, तो मेरी दोस्त ने भी हामी भर दी। मैं खाना खाकर अपनी फ्रेंड के घर गई। मैंने उसको कहा कि तुम चलोगी, तो उसके सिर में बहुत दर्द था, तो उसने मुझे कहा कि मैं यार आज नहीं आ सकती। तो मैं अकेली ही वॉक करने चली गई। मेरी नज़र फिर उस पार्क पर पड़ी तो मैंने गेट ओपन करा तो वो बहुत बड़ा पार्क था। मैं वहाँ वॉक करने के लिए चली गई तो मैंने देखा कि वहाँ एक बूढ़ी औरत जो कि मुझे सही नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत दूर थी और वो वॉक कर रही थी। दोस्तों, इस खौफनाक वाक्य को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलते हैं अपने बकिया खौफनाक किस्से की तरफ। मैंने सोचा चलो कोई तो है जो पार्क में वॉक कर रहा है। मैंने देखा कि वो मेरे नज़दीक आ रही थी। वो जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी मुझे डर लगने लगा। मैं उसकी भयानक बदरू शक्ल देखकर बहुत डर गई थी। खौफ के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने फिर हिम्मत की और आंख बंद करके आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। फिर वहां का चौकीदार आ गया। उसने मुझे कहा यहां रात को देर से आना मना है, आप सुबह या शाम आ सकती हैं यहां। हाँ, मैं अभी गेट बंद कर रहा हूँ। वो शाम को ही गेट बंद कर देता था, पर आज उसने भूले से दरवाज़ा बंद नहीं किया तो वो अभी गेट बंद करने आ गया था। अगर वो नहीं आता तो आज क्या होता मेरे साथ, ये सोचकर मुझे डर सा लगता है। उसके बाद मैं आज तक कभी वॉक पर नहीं गई। जब भी अकेली कॉलेज से वापस आती हूँ तो मुझे डर सा लगता है। क्या था वो जो मेरे साथ हुआ? आंख बंद करते ही मुझे वो नज़र आती है, मगर 2 साल हो गए हैं इस बात को। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं बच गई हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपनी दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ चलते हैं। हाय, मेरा नाम अरियान है। ये कहानी मेरे नाना के घर की है। वैसे तो मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर हमारे गांव के राजा थे, तो इसलिए हमारा घर बहुत बड़ा है, यानी एक महल नुमा है। ये दूसरे घर की कहानी है। वहाँ अब हम नहीं रहते क्योंकि एक बार हम लोग डाइनिंग हॉल में डिनर कर रहे थे तो तभी कुछ अजीब सा हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तड़प रहा हो। हम लोग भागे वहाँ से, मेरा मतलब किचन में गए तो वहाँ पे कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठने ही वाले थे कि अचानक बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हमने सोचा कि बच्चा ऐसे ही रो रहा होगा, लेकिन जैसे ही हमने इस बात को टाला तो वैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हो गई। थोड़ी देर बाद किचन से अंडे जलने की बदबू आने लगी। हम लोग फौरन किचन में गए और जाके देखा कि खूबसूरत लड़की वहाँ बैठी रो रही थी, पर उसका चेहरा नहीं दिखा। हमने जैसे ही उसे आवाज़ दी तो वो गायब हो गई। तभी मेरे ग्रैंडफादर ने पूरे घर में गैंग्स जाल छिड़क दिया और हमसे कहा कि अब कोई खतरा नहीं है। उसी रात मेरे कज़न को बाथरूम जाना था तो वो डर के मारे अपने साथ सारे बच्चों को ले गया। जैसे ही हम बाहर गए तो हमें कोई टेरेस पर खड़ा दिखाई दिया। हम सब बहुत डर गए और खौफ की वजह से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ मामी बचाओ, और सबको चिल्ला कर वहाँ बुला लिया। और वो वहाँ से सीधा कूदी और बाथरूम के 2 मीटर आगे जाकर गिर गई। हम सबको लगा कि वो मर गई है, पर ऐसा नहीं था। वो खड़ी हो गई, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़ गए। हम सब ये देखकर खौफ के मारे कांपने लगे और उसके बाल बहुत लंबे थे। उसने अपने मुंह को बालों से छुपा रखा था। आप यकीन करें, वो दिन मेरे लिए बहुत बुरा साबित हुआ।
वो भाग के बाथरूम में घुस गई और जब हमने बाथरूम खोला तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ उसके पैर छप गए। उस दिन से लेकर आज तक वहाँ कोई नहीं रहता और आज तक वहाँ से ऐसी ही आवाज़ें आती हैं। जब हमने तंत्रिक को बुलाया तो उसने कहा कि इस घर को अब कोई नहीं बचा सकता, आपको इस घर को छोड़कर जाना होगा, तो इसलिए उस घर में कोई नहीं रहता। उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये खौफनाक वाकया अच्छा लगा होगा। इस तरह के मज़ीद सच्चे और खौफनाक वाकया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दें। और अगर आपके पास कोई ऐसा खौफनाक वाकया है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हम उसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए खौफनाक वाकये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।